जय हिंद साथियों, पीके फार्म क्लास यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, ट्रांसनेशनल स्वास्थ्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिक संस्थान की ओर से एक रिक्रूटमेंट नोटिस जारी किया गया है। ये रिक्रूटमेंट नोटिस के अंदर कितनी क्या वैकेंसी है, कौन कौन फॉर्म फिल कर सकता है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी है, लास्ट डेट क्या रहने वाली है, फॉर्म फिल करने का तरीका क्या है, कंप्लीट डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दे। तो आइए बिना देरी स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन निकल के आई है। ट्रांसलेशनल स्वास्थ्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिक संस्थान जो कि एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आती है, इसकी ओर से एक रिक्रूटमेंट नोटिस जारी किया गया है 15 जुलाई 2022 को, जिसके अंदर कुछ वैकेंसी रिलीज की गई हैं। कौन कौन फॉर्म फिल कर सकता है वो देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं किस पोस्ट के लिए कितनी क्या वैकेंसी है। तो सबसे पहले इसमें नंबर ऑफ पोस्ट दे रखी है 2 और पोस्ट का नाम है प्रोग्राम मैनेजर। कोई प्रोजेक्ट है जिस अंदर यहाँ पे प्रोग्राम मैनेजर की पोस्ट रिलीज की गई है। सैलरी की बात करें तो सैलरी यहाँ पे 1 लाख पर मंथ रहने वाली है। एज 45 ईयर तक के कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात आती है असेंशियल क्वालिफिकेशन की। तो असेंशियल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पे MBBS, BDS, इसके अलावा कोई मेडिकल डिग्री या फिर मास्टर डिग्री या डिप्लोमा हो लाइफ साइंस के अंदर, फार्मेसी के अंदर, पब्लिक हेल्थ केयर के अंदर कोई भी मास्टर डिग्री होनी, यानी मास्टर डिग्री यानी एम फार्मा कैंडिडेट अगर हो आप तो मास्टर इन फार्मेसी अगर आपने कर रखी है तो आप ये फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल हो। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस भी मांगा गया। एक्सपीरियंस की बात करें तो एक्सपीरियंस यहाँ पे 5 ईयर का रखा गया, वो भी क्लिनिकल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर या क्लिनिकल ट्रायल के अंदर। अगर आपने एम फार्मा का रखा है और 5 साल का आपको एक्सपीरियंस है क्लिनिकल ट्रायल का, क्लिनिकल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, तो आप ये फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल हो। इसके अलावा एक और पोस्ट है वो भी हम देखेंगे, उससे पहले देख लेते हैं इसकी कुछ डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है वो भी दे रखी है, वो आप देख सकते हो। इसके अलावा जॉब प्रोफाइल क्या है वो जॉब प्रोफाइल आप यहाँ से देख सकते हो। ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा है, वहाँ से भी आप प्राप्त कर सकते हो। सेकेंड जो पोस्ट है वो देख लेते हैं, सेकेंड पोस्ट पर क्या है। नेम ऑफ पोस्ट की बात करें तो नेम ऑफ पोस्ट यहाँ पर रहने वाला है क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट साइंटिस्ट बी, और यहाँ पे आपके नंबर ऑफ पोस्ट की बात करो तो नंबर ऑफ पोस्ट 4 है। सैलरी आपकी 60,000 से ऊपर है और एज की बात करो तो एज यहाँ पे 40 ईयर तक के कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करो तो BDS, MBBS, BHMS, BMS या फिर बैचलर डिग्री इन मेडिकल साइंस और मास्टर डिग्री इन डिप्लोमा इन लाइफ साइंस या फार्मेसी, यानी यहाँ भी एम फार्मा कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन बात करें यहाँ पे आपके एक्सपीरियंस के तो एक्सपीरियंस आपका यहाँ पे 2 ईयर रखा गया है, वो भी क्लिनिकल रिसर्च के अंदर। कुल मिला के बात यहाँ पे यह आती है कि ये एम फार्मा कैंडिडेट के लिए वैकेंसी रहने वाली है, डिग्री और डिप्लोमा कैंडिडेट फॉर्म फिल नहीं कर सकते। फॉर्म कैसे क्या फिल करना है, तो फॉर्म आपको ऑनलाइन फिल करना होगा। ऑनलाइन फिल की कैसे क्या प्रोसीजर है वो देख लेते हैं। तो ऑनलाइन फिल होगा हाउ टू अप्लाई, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो वो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे असेंशियल रखे गए हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको फॉर्म फिल करने के टाइम पे लेके जाने होंगे। और इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.thsti.res.in/career, इस सेक्शन पे आप जैसे जाओगे तो वहाँ से आपका ये फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा, वहाँ से आप ये फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हो। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड किसके द्वारा भी कर सकते हो। इसके अलावा अदर किसी मोड से आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं, एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे 236 जनरल OBC और EWS के लिए, वहीं SC ST वुमेन और PWD के लिए 118 रुपये रखी गई है। इसके अलावा अगर आपको कोई और दिक्कत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हो, या फिर इस PDF को अच्छे से लर्न करके आप फॉर्म फिल कर सकते हो। तो आज की वीडियो में ये इन्फॉर्मेशन दोस्तों तक शेयर करें। इसी तरह के फार्मा के हर एक अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।